हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो जैसा कि मैं आपसे बहुत दिनों से बोल रही हूँ कि मैं आपके सामने कुछ एक्रेलिक पेंट्स के ट्यूटोरियल्स शेयर करने वाली हूँ, और जिससे आप सीखेंगे कि हम एक्रेलिक पेंट कैसे करना स्टार्ट करें। तो आज मैं आपको वही सब सिखाऊंगी। सो शुरू करें, सो लेट्स गो। सो आज हम वाटर कंसिस्टेंसी के बारे में सीखेंगे कि हमें अपने कलर में कितना वाटर लेना होता है और कितना नहीं। तो मैंने एक कैनवास बोर्ड ले लिया है, फिर मैंने अपने ब्रश को वॉश कर लिया अच्छे से। वॉश करने के बाद एक दो बार उसे अपने टाल पे पूछ लेंगे, उसके बाद कलर लेके उसे अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि ब्रश में बहुत ज़्यादा वाटर नहीं है, क्योंकि मैंने उसे वॉश करने के बाद पोंछ लिया था तो बहुत ही कम पानी ब्रश में था, तो इतना इनफ रहता है। और वहीं अगर हम बहुत ज़्यादा पानी ले लेते हैं तो बहुत वाटर इफेक्ट देता है, जैसे कि आप अभी देखेंगे। ये देखिए, इसमें बहुत ही वाटर इफेक्ट आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा पानी लिया है, तो वो पेंटिंग होने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, आप करीब से देखिए दोनों में क्या अंतर। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ट्यूटोरियल वीडियो? और ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।